कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट, 24 घंटे में करीब 3,10,000 नए मामले। कोरोना से मौत के आंकड़े में अब चिंता बढ़ा रही है, एक दिन में महामारी से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत, 24 घंटे में 960 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में घट रहे हैं कोरोना के केस, 24 घंटे में 35,000 से कम मामले। मुंबई में भी सिमटता कोरोना, 24 घंटे में 1500 से कम नए मामले। दिल्ली में कोरोना के मामले में तेजी से कमी, 24 घंटे में 6,430 केस। यूपी में कोरोना के नए मामले घटे, 24 घंटे में करीब 12,500 मामले। यूपी में आंशिक कर्फ्यू बढ़ा, 24 मई तक जारी रहेगी पाबंदी। सीएम योगी आज पहुंचे एनसीआर के दौरे पर, गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना के हालात का लेंगे जायजा। कर्नाटक में नहीं रुक रही है कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 41,000 से ज्यादा केस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सरकार पर निशाना, कहा कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार लापरवाह हुई है। हम सब लोग जरा गफलत में आ गए, क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड लेक्चर में संघ प्रमुख ने कहा मौजूदा हालात कठिन है, निराश करने वाली है स्थिति, लेकिन नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। जो चले गए वो तो एक तरह से मुक्त हो गए, उनको इस परिस्थिति का सामना अब नहीं करना है, हमको करना है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम में वैक्सीन डोज कमी पर घेरा, पूछा क्यों कम हो रहा है वैक्सीनेशन की संख्या। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर ब्रिटेन के वैज्ञानिक का बड़ा बयान, कहा इस वेरिएंट पर वैक्सीन भी ज्यादा प्रभावी नहीं। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंथनी ने कहा कोरोना वायरस B1617.2 से होने वाली गंभीर बीमारी को रोकने में टीके कारगर। ब्रिटेन में B1617.2 कोरोना वेरिएंट ने बढ़ाई मुश्किलें, 21 जून को लॉकडाउन खत्म करने की योजना पर संशय। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे BHU के वैज्ञानिकों की आई चौंकाने वाली रिसर्च, सिर्फ 3 महीने में टूट रही है एंटीबॉडी वॉल। BHU के वैज्ञानिकों ने वाराणसी समेत 14 जिलों में पिछले साल किया एंटीबॉडी टेस्ट, अक्टूबर तक किए गए टेस्ट में औसतन 30% लोगों में पाई गई थी एंटीबॉडीज। कोरोना से जंग में आखिरकार पश्चिम बंगाल में भी आई लॉकडाउन की नौबत, ममता सरकार ने आज से 15 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में आज से 30 मई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। पश्चिम बंगाल में शनिवार की शाम 7 बजे से ही बंद किए गए शराब के ठेके, शराब खरीदारों की उमड़ी भीड़। कोलकाता में ट्रॉली रिक्शा पर शराब ले जाता दिखा एक शख्स, 15 दिन के लिए शराब का स्टॉक इकट्ठा किया। कोलकाता में कल अंधेरा होने से पहले ही दुकानों पर लगी लंबी कतारें, बिना शराब हटने को तैयार नहीं थे नशाखोर। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को 1,000 रुपए महीने का भत्ता और 3 महीने तक राशन देने का ऐलान। यूपी में राशन कार्ड धारकों को 3 महीने मुफ्त राशन मुहैया कराएगी योगी सरकार, 15 करोड़ लोगों को का फायदा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 13 मरीज भर्ती, एक की हालत गंभीर। दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन की कमी, आज दिल्ली में सरकारी केंद्रों पर वैक्सीनेशन बंद। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में आज भी वैक्सीनेशन जारी रहेगा, सरकारी केंद्रों पर सोमवार को फिर से होगी टीकाकरण की शुरुआत। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर जांच पर जोर, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश। अधिकारियों को प्रधानमंत्री की सख्त हिदायत, ग्रामीण इलाकों में आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कोरोना के खिलाफ जरूरी संसाधनों से लैस किया जाए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लोगों से की मास्क पहनने की अपील, कहा कोरोना से जंग के लिए 2 गज की दूरी भी जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की हालात की समीक्षा, रिकवरी दर पर जताया संतोष।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश में इस वक्त 36 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले, चार दिनों में नए मरीजों के आंकड़े में बड़ी गिरावट। 11 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 राज्यों में 15% से ज्यादा संक्रमण। देश में कोरोना की संक्रमण दर 21.9% से गिरकर 19.8% आई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के संकट काल में संक्रमण मोहन भागवत ने सकारात्मकता पर दिया जोर, कहा अगर तीसरी लहर आएगी तो उसे भी हराएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी, ओडिशा में 15 जिलों में 1900 ऑक्सीजन प्लांट की मांग। पानीपत में आज 500 बेड का अस्पताल और नया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, धर्मेंद्र प्रधान और सीएम मनोहर खट्टर करेंगे उद्घाटन। हर महीने बन रही वैक्सीन की लगभग 1.5 करोड़ डोज, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा 10 करोड़ तक उत्पादन बढ़ाने का है प्लान। संगम नगरी प्रयागराज में सामने आया दर्दनाक मंजर, शमशान में लकड़ी की कमी की वजह से रेत में शव दफनाने को मजबूर हुए लोग। नागपुर में 1500 से ज्यादा नए मरीज, करीब आधे मामले ग्रामीण इलाकों से सामने आए। कर्नाटक में 41,000 से ज्यादा लोग 24 घंटे में संक्रमित, 339 की गई जान। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार, 98 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में कोविड वॉर रूम की शुरुआत, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक 25 लोगों की टीम हालात पर रख रही है नजर। कोरोना से जंग में तेलंगाना के नलगोना में तमाशा, कोरोना पीड़ित एक शख्स ने खुद को आइसोलेशन में रखने के लिए पेड़ पर बनाया आशियाना। अमृतसर में एक शख्स ने अस्पताल के सामने ठेला लगाकर मुफ्त में बांटी शराब, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और चखने का बंदोबस्त भी किया, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। वाराणसी में महिलाओं ने कोरोना को दैवीय आपदा मानते हुए गंगा तट पर शुरू किया पूजा पाठ, 21 दिन तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ब्लैक फंगस का कहर, एक मरीज की मौत, कुल 5 लोग ब्लैक फंगस से प्रभावित। सीएम योगी के दौरे से पहले नोएडा प्राधिकरण ने पेश किया कोरोना काल का कामकाज, औद्योगिक क्षेत्र में 6,732 कोविड हेल्प डेस्क और 502 आइसोलेशन सेंटर्स तैयार करने का दावा। अलीगढ़ में एमयू के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, कोरोना से जिंदगी गंवाने वाले प्रोफेसर को श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ से रवाना हुई पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, बोकारो के लिए निकली ट्रेन। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक के गुलबर्गी में मिशन मोड पर ऑटो रिक्शा चालक कोरोना मरीजों और परिजनों को दे रहे मुफ्त सेवा। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस के बीच एंटी फंगल दवा की कमी, मेडिकल स्टोर पर दिखी शॉर्टेज। पांच राज्यों में तौते तूफान का खतरा, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। केरल में भी चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट, 5 जिलों में रेड अलर्ट, बाकी जगह पर ऑरेंज अलर्ट। तिरुवनंतपुरम में तूफान का असर, उफान पर अरब सागर, लहरों ने तट के करीब निर्माण किया ध्वस्त। कर्नाटक के उरवा में तौते तूफान की आहट, तेज हवा के साथ बारिश। मंगलोर के तटीय इलाकों में तौते तूफान का अलर्ट, लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत। कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश, तूफान की आशंका से घरों में ही कैद हुए लोग। आज गुजरात के तट को पार कर सकता है चक्रवाती तूफान, कच्छ सौराष्ट्र कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। तूफान से गुजरात के अमरेली में अलर्ट, समुद्र में उठने लगी ऊंची ऊंची लहरें। गुजरात में तूफान को देखते हुए हाई अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम तटीय जिलों में मुस्तैदी। मुंबई में भी तूफान की आहट, कई इलाकों में भारी बारिश, जल जमाव। एक दिन बाद फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 24 पैसे बढ़ा। डीजल के दाम में भी इजाफा, दिल्ली में 27 पैसे की बढ़ोतरी। इंदौर भोपाल समेत देश में कई शहरों में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी, राजस्थान के गंगानगर में 103.52 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत। गंगा प्रभावित लोगों से मिलकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, का राज्य में पुलिस से डर रहे लोग। राज्यपाल धनखड़ ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ताधारी पार्टी से डरे हुए हैं लोग।
हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, अब 26 मई तक रहेगी पाबंदी। गोपालगंज में सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन पाइपलाइन में लीकेज से मची अफरा तफरी, तीन मरीजों की हालत बिगड़ने पर जागा अस्पताल। टाटानगर से ऑक्सीजन की 10 टैंकर लेकर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुरादाबाद को और बाकी बरेली को सप्लाई। कर्नाटक के मैंगलोर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन के बीच वाहन चालकों की मदद की बाटा खाना। ओडिशा के भद्रक में निगम ने भूखे आवारा पशुओं को कराया भोजन, सीएम रिलीफ फंड से जारी की गई राशि। नवजोत सिंह सिद्धू से राज्य की विजिलेंस टीम कर सकती पूछताछ, सिद्धू पर कैप्टन सरकार में मंत्री रहते अनियमितता के आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और करीबियों से विजिलेंस की टीम कर सकती सवाल जवाब, मोहाली के जीरकपुर डेराबसी और नयागांव में जमीन सौदे से जुड़ा है मामला। अकाली दल के प्रवक्ता वरसा सिंह का बयान, सच्चे हैं सिद्धू तो डरने की क्या जरूरत, कानूनी कार्रवाई का बने हिस्सा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नंदीग्राम में किया पूजा पाठ, जानकीनाथ मंदिर में किए दर्शन। पश्चिम बंगाल की बाटापारा में भिड़े बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता, 5 घायल। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। हादसे के बाद भीड़ कार सवारों को पीटती नजर आई, नशे में धुत होने का आरोप, पुलिस ने कार चालक को पकड़ा। हाजीपुर में शराब की तस्करी का खुलासा, बीजेपी का बोर्ड लगी गाड़ी में शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर मारा छापा, 2 आरोपियों की मौके से हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में डैम में नहाने के दौरान 3 युवकों की मौत, 2 युवकों की हुई शिनाख्त, 1 शव की पहचान होना बाकी। कानपुर में एक महिला डॉक्टर की अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत, डॉक्टर पति पर आरोप। प्रयागराज में बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़, 1 बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कुख्यात अपराधी और एक कोतवाल के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल, एसपी ने जांच के आदेश दिए। धौलपुर में गफलत में बारातियों से मुठभेड़ पर घिरी यूपी पुलिस, 200 गांव वालों समेत यूपी पुलिस टीम पर भी केस दर्ज। गौ तस्करों को पकड़ने निकली यूपी पुलिस की टीम ने गफलत में बारातियों की घेराबंदी की थी, इस दौरान फायरिंग में 1 महिला को लगी गोली। चित्रकूट जेल में गैंगवॉर के मामले में बड़ा खुलासा, गैंगस्टर मुकीम उर्फ काला को अंशु दीक्षित ने मारी थी 13 गोलियां। आजमगढ़ के पवई गांव में पुलिस का छापा, एक घर से भारी मात्रा में देसी शराब और विदेशी शराब की बोतलें बरामद। हाजीपुर में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार, कार पर लगा था कोरोना आपातकाल सेवा का स्टिकर। भोपाल में आत्महत्या के लिए तालाब में खुदी युवती, बचाने के लिए भाई ने भी लगाए छलांग, गोताखोरों ने बचाया। मुंगेर में पुलिस के साथ झड़प और हाथापाई का वीडियो वायरल, दरोगा पर नशे में धुत होने का आरोप।